I mean, great story, man. Somebody was down and out and didn't know if he's going to live. United was struggling last year and he came in, and you feel that this was the guy we were missing. Probably the best midfielder we've had in a few years. And definitely, you know, that's an inspiring story. And I feel that he's someone who definitely deserves that kind of an award. तो यहाँ पर दोस्तों दीपेंद्र सिंह जो है वो उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा है युवराज सिंह का। युवराज सिंह ने T20 क्रिकेट में 12 गेंदों पर अर्धशतक लगाया था और इन्होंने जो है वो 9 गेंदों पर लगाया है। अब युवराज सिंह ने इन पर बोलते हुए कहा है कि हालांकि मैंने ये इंग्लैंड के खिलाफ किया था जो कि काफी मजबूत टीम थी, लेकिन इन्होंने मंगोलिया के खिलाफ किया है। मेरे लिए जितना मुश्किल ये इंग्लैंड जैसी मजबूत टीम के खिलाफ करना था उतना ही इनके लिए मुश्किल रहा होगा मंगोलिया जैसी कमजोर टीम के खिलाफ, क्योंकि नेपाल में अभी अभी क्रिकेट शुरू हुआ है और ऐसा करना किसी भी खिलाड़ी के लिए, चाहे वो टीम कमजोर हो या मजबूत, किसी भी टीम के खिलाफ बिल्कुल भी आसान नहीं है। मैं इनको इस पर ढेर सारी बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं ये नेपाल के लिए और भी कई बड़े रिकॉर्ड्स बनाएंगे और यूं ही अपना खेल जारी रखेंगे। दोस्तों आपका इस पर क्या विचार है आप हमें कमेंट में जरूर लिखें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें।